हमीरपुर में सड़क किनारे बन रहे फुटपाथ के लिए आजकल काम चला हुआ है और प्रशासन के द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से फुटपाथ बनाया जा रहा है, लेकिन मिनी सचिवालय के समीप बनाए जा रहे फुटपाथ को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने सवाल उठाए हैं। दुकानदारों ने फुटपाथ के नीचे बड़ी पाइप डालने को लेकर दुकानदारों ने मांग की है। मिनी सचिवालय से लेकर मृदुल चौक तक फुटपाथ बनाने का काम चला हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि हर साल बरसात में पानी दुकानों में घुस जाता है और इस बार फुटपाथ का काम चला हुआ है, इसलिए बड़ी पाइप डाली जाए ताकि दुकानों में पानी घुसने की समस्या को हल किया जा सके। उन्होंने बताया कि डांग कवाली की साइड का भी सारा पानी मिनी सचिवालय के गेट के आसपास की दुकानों में घुसता है, इसलिए फुटपाथ कार्य के साथ साथ बड़ी पाइप डाली जाए ताकि समस्या का हल हो सके। पूरी ब्लॉक पहले भी कई बार ब्लॉक हो ही है पूरी, ये इसमें पानी इतना कैपेसिटी नहीं इसमें पानी निकलने की, तो इसके साथ पाइप डाली जाए। काफ़ी नुकसान हुआ, 3-4 बजे नुकसान हुआ। डिमांड ये है कि पूरी के साथ पाइप डाली जाए पानी की निकासी के लिए। पानी सारी तरफ का 3 तरफ का पानी आ जाए, इसी नाले का जुदा आएगा, नालियों का जुदा आएगा पानी। मेरा सर राजेश कुमार, बस ऐसे के बरसात में नाली भर जाती है और पानी आ जाता है अंदर दुकान के अंदर, तो हमारा ऐसा है कि जो नाला है ना जी, यहाँ पर पाइप डाली जाए या साफ की जाए। पहले भी होता, हर साल होता है, 3-4 बार हर बार होता है। यहाँ पे डिमांड ऐसे है कि जो नाला है ना, इसको बड़ा किया जाए। शर्मा जी, समस्या क्या सर आपकी? समस्या है कि बरसात में जो नाली में पानी ना ओवरफ्लो हो जाता है और यहाँ पर जो भी नाली बढ़ रही है, मैं चाहता हूँ कि खुली हो, माने बड़ा पाइप डले इसमें, जिससे बरसात का पानी इकट्ठा ना हो और दुकानों के अंदर ना बढ़े, और हर बरसात में ये दिक्कत आती है। तो डिमांड क्या आती है? डिमांड ये है कि जो पाइप है वो काफ़ी चौड़ा पड़ना चाहिए और जिससे बरसात में पानी जो है पाइप के अंदर ही जाए, बाहर उरे परे ना निकले और दुकानों के अंदर ना घुसे। सबसे बड़ी समस्या ये है, हर बरसात में 2-4 बरसातों से ऐसा ही आ रहा है। डांग क्वारी का सारा पानी आता है और यहाँ दुकानों में घुस जाता है। हमारी दुकान जो है रोड से भी डाउन है थोड़ी बहुत। रमेश, ये नीचे जो नाला है ना, इसको खुला कर दिया जाए, यहाँ पे नाले का पानी ब्लॉक होता है, दुकानों के अंदर आ जाता है। डिमांड जो है कि नाला जो है ना खुला खुला बनाया जाए, और जो यहाँ पे इस टाई हो रही है ना जी, पाइप पड़ रही है, वो खुला कर दिया जाए यहाँ से नीचे को, जो बचत भवन की तरफ जाता है।